हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली के डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। तो आज का जो करंट अफेयर जो है वो ये है कि पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में फूड फॉरेस्ट स्थापित किया जा रहा है जिससे 192 यानी 192 गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि केरल। जी हाँ, केरल, जो केरल है, केरल के अंदर फूड फॉरेस्ट स्थापित किया जा रहा है। केरल के अंदर क्या किया जा रहा है? फूड फॉरेस्ट स्थापित किया जा रहा है। अब हम बात करें केरल की, तो केरल की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। जी हाँ, केरल की कौन है राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल की अगर हम बात करें तो किडक्की बांध जो है, जो कि पेरियार नदी पर स्थित है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किडक्की बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि केरल। केरल के दो बांध, मुल्ला पेरियार बांध और किडक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर स्थित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जा रहा है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रोमानिया। रोमानिया के अंदर राहुल श्रीवास्तव को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें रोमानिया की राजधानी की, तो राजधानी क्या है? बुखारेस्ट, ठीक है। राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट राजधानी है, ठीक है। और उसके अंदर किसको? राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया के अंदर अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, भारत को किस वर्ष के लिए महिला एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 2022 के लिए भारत को महिला एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसने किया है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है एडिडास। एडिडास ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उससे पहले रोहित शर्मा, रणवीर सिंह, हेमा दास, ये काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, तो इनका, मानुषी छिल्लर का नाम भी उनके अंदर अब सम्मिलित हो गया है। बात करें हम एडिडास की, तो एडिडास की स्थापना 1948 को हुई थी, 1948। जी हाँ, 1948 को एडिडास कंपनी की स्थापना हुई थी। दो भाई थे, एडोल्फ और रूडोल्फ, ठीक है। एडोल्फ और रूडोल्फ दोनों ने एडिडास कंपनी की शुरुआत की थी। बाद में दोनों भाइयों में मनमुटाव होने के कारण दोनों ने अपनी अलग अलग कंपनी की स्थापना कर ली थी, जिसके अंदर एडोल्फ ने एडिडास की स्थापना की और रूडोल्फ ने प्यूमा की स्थापना की, जो काफ़ी एक बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है, ठीक है। तो प्यूमा और एडिडास दोनों एक दो भाइयों की एक संपत्ति है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सीड्स। अब ये सीड्स कौन से हैं? ये बीज वाला सीड्स नहीं है। सीड्स की फुल फॉर्म जो है, सीड्स की जो फुल फॉर्म है वो है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये है इसकी सीड्स की फुल फॉर्म, ठीक है। तो उसे वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शहरी वन कार्यक्रम के तहत देश के कितने निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है 200। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। ये घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की सूचना दी है कि जो शहर के जो 200 निगम, देश के 200 निगम और शहर हैं, उनके अंदर 200 वन स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 20-25% की कमी लाने का प्रयास करेगा? तो इसका आंसर है 2021। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। 2021 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि 20-25% सड़क दुर्घटनाएं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर कमी लाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसने बताया है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने ये सूचना अपने ट्विटर माध्यम से दी है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से कितने अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है? तो इसका राइट आंसर है 2। जी हाँ, 2
प्रख्यापितों को स्थापित किया है राष्ट्रपति ने। कौन है हमारे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। जी हाँ, रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई कॉमिट अभियान की शुरुआत किसने की? तो आंसर है आर के सिंह। जी हाँ, आर के सिंह ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। मैंने करंट अफेयर 5 जून में डिस्कस किया था कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसके अंदर हैशटैग आई कॉमिट अभियान की शुरुआत किसने की? आर के सिंह ने की। और आर के सिंह कौन है? हमारे इलेक्ट्रिकल मिनिस्टर यानी कि बिजली विभाग यानी विद्युत मंत्री हैं। आर के सिंह कौन है? विद्युत मंत्री हैं। तो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई कॉमिट अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? जी हाँ, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, तो कहाँ है वो? ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा शुरू हुई थी, जो कि काफ़ी एक मशहूर यात्रा है। ठीक है, काफ़ी दूर दराज से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उसकी राजधानी है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है गणेशी लाल। जी हाँ, श्री गणेशी लाल जो है वो वहाँ के राज्यपाल हैं और श्री नवीन पटनायक जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बात करें जिलों की, तो उड़ीसा के अंदर 30 जिले हैं। उड़िया वहाँ की लोक भाषा है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? उड़ीसा की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए 1 अप्रैल को उड़िया दिवस यानी कि उड़ीसा का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, DLF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजीव सिंह। जी हाँ, राजीव सिंह को DLF के रूप अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वो DLF के उपाध्यक्ष थे, अब उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दे दी गई है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो का टारगेट है 1K+ व्यूज और 200 लाइक्स। ठीक है, देखिए आज संडे है, आज वैसे हॉलीडे है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पे 1 लाइक तो आपका बनता है। ठीक है, अब किस बैंक ने समर ट्रीट्स कैंपस कैंपेन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। जी हाँ, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए समर कैंपेन ट्रीट्स की घोषणा की है। ठीक है, समर ट्रीट्स कैंपेन की घोषणा की है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो ग्राहक हैं उनको कुछ एक विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने का ख्याल रखें।